बादाम बादाम मेरा टका चाहे बादाम आमगा से नाको बुबू बादाम बादाम आमगा से पावे सुदु। आपने भी सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम गाना जरूर सुना होगा। ये गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। सेलेब से लेकर यूजर्स तक सभी इस गाने पर थिरक रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस गाने को गाने वाले भुवन बदायकर कौन है? आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि कच्चा बादाम को गाने वाला शख्स गायक नहीं बल्कि मूंगफली बेचने वाला एक शख्स है। भुवन बदायकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के कुरालचूरी गांव के रहने वाले हैं। उनका 5 लोगों का परिवार है जिसमें भुवन के साथ उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी रहती है। वे मूंगफली बेचते हैं। मूंगफली बेचने के लिए वो दूर दराज के गाँव में साइकिल से जाते हैं। भुवन रोजाना 3-4 किलो मूंगफली बेचते हैं और 200-250 रुपए कमाते हैं। जब से उनका गाना कच्चा बादाम वायरल हुआ है वो पहले से ज्यादा मूंगफली बेचने लगे हैं। भुवन पिछले 10 सालों से मूंगफली बेच रहे हैं। वो गाना गाते हुए मूंगफली बेचते हैं। उनके इसी अंदाज ने उन्हें पॉपुलर बनाया। भुवन का कच्चा बादाम गाना भी ऐसे ही लोकप्रिय हुआ। अब सवाल है कि इस गाने का मतलब क्या है? दरअसल पश्चिम बंगाल में मूंगफली को बादाम कहते हैं। आज तक से बातचीत में भुवन ने कहा था कि वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि वो अपने रहने के लिए परमानेंट घर का इंतजाम कर सके, परिवार को पहनने के लिए अच्छा खाना और कपड़ा दे। कच्चा बादाम गाने वाले भुवन की ये जर्नी ने यकीनन आपको भी इंस्पायर किया होगा। इस गाने को और पॉपुलर बनाकर आप भुवन की लोकप्रियता में 4 चांद लगा सकते हैं। बादाम बादाम मेरा टका चाहे बादाम आमगा से नाको बुबू बादाम बादाम आमगा से पावे सुदु।